दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके ही चैनल विवेक मिश्रा स्टडी चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है विवेक मिश्रा और आप देख रहे हैं हम सबका प्यारा चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लेकर आए आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पिछले वीडियो में आपने देख लिया होगा और बहुत ही सिंपल था कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटर्मिनेशन द सिमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। किसी भी गतिशील कण के यथार्थ किसी भी गतिशील कण की संवेग तथा पोजीशन जो हमारी स्थित होती है उनका एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव होता है, यही बताया गया। पिछली वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा, हम ये उम्मीद करते हैं। ना देखे हो तो पिछली वीडियो में जाकर सर्च करेंगे विवेक मिश्रा स्टडी चैनल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आपको मिल जाएगा। तो उसी के साथ साथ अगर वो भी ना मिले तो ये सर्च कर लीजिएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री याद आ रहा है, ये थर्ड पेपर फिजिक्स बाय विवेक मिश्रा स्टडी चैनल, आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए आपको ये मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीन के तीनों सब्जेक्ट बीएससी सेकेंडरी चल रहे हैं, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, जो नए व्यूवर्स ऐड हुए हैं वो उनको बता देना चाहेंगे, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीन के तीनों वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए जाते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये ऐसा नहीं पूछा जाता है कि सो द एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कभी नहीं पूछा गया है और 100% पूछा भी नहीं जाएगा सो द एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऐसा नहीं होता। इसमें देखिए हम दो लिखवाएंगे, फर्स्ट तो हमारा होगा इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इन आवर न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये लिखवाएंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करते, जानते हैं ना, ये तो उसके बाहर घूमते रहते हैं, बट जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ये कथन बोला जाएगा कि सो दैट इलेक्ट्रॉन, या फिर आपका सेक्शन ए में आएगा 2 नंबर के क्वेश्चन में, ऐसा बोला जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाई द इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, आपको उसके बारे में लिखना होगा, बताना होगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन उठते हैं। और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन उठता है वो हमारा ये उठता है कि स्पेक्ट्रल लाइन हैव ए फाइनाइट विड्थ, स्पेक्ट्रल लाइन कई बार पूछा गया दो के दोनों, और इसी प्रकार पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रल लाइन हैव ए फाइनाइट विड्थ। तो इसी प्रकार आपको पूछा जाएगा, इसी प्रकार आप लोग तैयार भी रखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे इसमें पहला वाला, इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, क्योंकि हम जानते हैं, आप लोग जानते होंगे, क्योंकि रेडियस क्या होती है, रेडियस ऑफ ऑर्डर 10^-14 होती है रेडियस न्यूक्लियर की, आप लोग मालूम है ना, पढ़ा भी है कई बार की जो न्यूक्लियर की आपकी होती है वह कई बार आपको बता दिया गया है कि जो न्यूक्लियर की रेडियस होती है, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियर इज 10^-14 होती है मीटर, 10^-14 मीटर होती है। और इसी के साथ साथ आप यहां से डेल्टा एक्स वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये तो रेडियस हो गई, अगर आपको निकालना क्या हुआ व्यास, इसका क्या निकालना हुआ, जिसे हम डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर जानते हो ना, डेल्टा एक्स इक्वल टू डायमीटर ऑफ न्यूक्लियर इक्वल टू, जब ये रेडियस इतना होती है तो डायमीटर क्या होगा, इसका दुगना होगा, क्योंकि रेडियस का दुगना होता है डायमीटर, 2 × 10^-14 मीटर, डेल्टा एक्स वैल्यू निकल आई, ठीक। अब हम जाते हैं, चूंकि डेल्टा पी इंटू डेल्टा इक्वल टू एच, आपने अभी अभी पिछले वीडियो में प्रूव किया था, पिछली वीडियो में इसको आपने प्रूव किया था, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच, पिछली वीडियो जाकर देख लेंगे तभी ये वीडियो बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं जो भी हम प्रूव किए थे।
तो डेल्टा पी की वैल्यू अगर यहां से निकालना चाहेंगे, एच अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू रख देंगे, एच की वैल्यू होते हैं 6.67 × 10⁻³। सब लोग क्लियर हो, बचपन से पढ़ते आए हो, क्लास 9th में भी ये मिला था कि एच की 10th में सॉरी 10th में आपको मिला रहा होगा कि जो एच की वैल्यू होती है वह 6.6 × 10⁻³ होती है। और ये जो डेल्टा एक्स है हमारा क्या आ गया, 2 × 10⁻⁴ मीटर आ गया। अब अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये क्या बचता है हमारा, यहाँ पर सॉरी 2 होता है, 7 भी होता है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या बची, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 3.31 × 10⁻³। ये −34 है, ऊपर जाएगा +34 हो जाएगा, −20 बचेगा भैया, क्लियर हो, −20 बचेगा ना। और ये एक ही संवेग का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होती है, क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक एक छोटी छोटी वैल्यू बता रहे हैं, अब भी नहीं आया बेकार है, आ जाना चाहिए। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कैसे होती है ये भी बता देते हैं, P बराबर क्या होता है, MV, M क्या क्या होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, kg, V क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, वो भी कहां से आया, तो V बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन बटा समय, टाइम, V क्या होता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट किसमें नाम आपा जाता है, मीटर में, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड में, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, ठीक, नोट कर लीजिए वैल्यू। तो ये आ गई हमारी डेल्टा पी की वैल्यू, आ गई कितना बचा, 3.31 × 10⁻², डेल्टा पी की वैल्यू आ गई। अब जब डेल्टा पी की वैल्यू आ गई तो आप ई की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल पाओगे, चलिए निकालते हैं, कितना नोट कर लीजिए, मिटा दें, लिखेंगे फ्रॉम रिलेटिविस्टिक फार्मूला, फ्रॉम रिलेटिविस्टिक फार्मूला, रिलेटिविस्टिक फार्मूला आपको पढ़ाया जाता है, रिलेटिविस्टिक फार्मूला जो होता है क्या होता है, E² इक्वल टू P² C² + m₀² C⁴। यही होता है हमारा रिलेटिविस्टिक फार्मूला, याद कर लीजिए, रिलेटिविस्टिक फार्मूला ऑलवेज याद रहना चाहिए, E² = P² C² + m₀² C⁴। ये अगर E की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, लेकिन P² C² + m₀² C⁴। P जंग क्या रखेंगे, 3.31 × 10⁻², ये भी वैल्यू निकाले थे, डेल्टा पी या फिर पी यहाँ पर रखेंगे, 3.31 × 10⁻²² का स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 × 10⁸, ये तो रखेंगे सी की वैल्यू 3 × 10⁸। यम नॉट वैल्यू आप रखेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 9.1 × 10⁻³ रख दीजिए, प्लस 9.1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, और C⁴ है फिर यहाँ पर ले लीजिए 3 × 10⁸ का स्क्वायर। ये आप लोग जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना आप लोग जानते ही हैं भाई, BSc सेकंड ईयर कर रहे हो, इतनी आसानी बात भी नहीं है, जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 62 × 10⁶ वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये बराबर 62 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको क्या लिख सकते हैं, मेगा लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एम फॉर मेगा है, एक मेगा में 10⁶ मीटर होते हैं, नोट कर लीजिए, ये आ गया 62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम जानते हैं कि द इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, इट शुड हैव एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाउएवर हालांकि जो होता है कि इलेक्ट्रॉन इमिटेड ड्यूरिंग बीटा डीके, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिख लेंगे यहाँ पर वैल्यू आप लोग ले लेंगे,
यहाँ पर लिखेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन को रिसाइड्स करना हुआ इन द न्यूक्लियस, ठीक लिखेंगे, इफ इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस तो इट शुड बी एनर्जी कितनी चाहिए 62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉमन, इट शुड बी नीड 62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट इट हैव ओनली 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या होते हैं इसके पास जो एनर्जी का ऑर्डर होता है, देखिए, बट इलेक्ट्रॉन इमिटेड ड्यूरिंग बीटा डीके, इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग बीटा डीके हैव एनर्जी ऑफ द ऑर्डर, हैव एनर्जी ऑफ द ऑर्डर 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस. इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यह न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ठीक, हमें कितना चाहिए 62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट बीटा डीके के लिए, बीटा डीके में या हैव एनर्जी ऑफ ओनली 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 62 मेगा इलेक्ट्रॉन बहुत अंतर है, इसलिए यह क्या करता है न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक, चलिए नोट कर लिए, मिटा दें इसको, अगली हेडिंग डालेंगे. तो नेक्स्ट हेडिंग बात कर लेते हैं. नेक्स्ट हेडिंग हमारा कह रहा है स्पेक्ट्रल लाइंस हैव ए फाइनाइट विड्थ. जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है उनके पास हैव ए फाइनाइट विड्थ, यह है एक निश्चित क्या होती है चौड़ाई होती है, विड्थ होती है. तो यही हमको प्रूव करना है कि स्पेक्ट्रल लाइन के पास कैसे फाइनाइट विड्थ होती है, तो यही हमको बताना है. लिखेंगे, और आप लोग जानते हैं जैसे मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस हो गया और इसके बाहर बाहर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कोई कक्षक हो गया, ठीक, ऑर्बिटल हो गया. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में होकर गए तो ये कितना समय लेते हैं 10^-8 सेकेंड लेते हैं, 10^-8 सेकेंड लेते हैं, या फिर ऊपर से नीचे आ रहे हैं फिर भी 10^-8 सेकेंड. ठीक, बस एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे, द टाइम पीरियड या एवरेज पीरियड कुछ भी लिख लीजिए, एवरेज पीरियड दैट टेक्स बिटवीन द एग्जाइटेशन, स्पेलिंग गलत हो गई, एक्साइटेड अवस्था में कितना लेते हैं बिटवीन द एक्साइटेशन एंड टेक्स टाइम एंड टेक्स टाइम लिखिए या फिर डायरेक्ट लीजिए, डायरेक्ट ले दीजिए 10^-8 सेकेंड, 10^-8 सेकेंड लेते हैं. हम जानते हैं चूंकि वी नो दैट, क्या जानते हैं, अभी भी पिछले वाले वीडियो में आपने प्रूफ किया था, पिछला वाला वीडियो जाकर देख लीजिए कि डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एच आया था, डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एच, पिछली वीडियो में आपको प्रूव मिल जाएगा, पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए. तो डेल्टा इंटू डेल्टा टी, डेल्टा ई क्या है हमारा, निकालना ही है, एच अपान
डेल्टा टी है, एस की मान होती है 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 31। डेल्टा टी मान क्या होता है, ये लिखा गया 10 पावर माइनस 8, ये क्या आ गया 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 31, ये ऊपर जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, होगा हमारी वैल्यू आई डेल्टा ए इक्वल टू 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 31 प्लस 8 कितना होता है, माइनस 31 प्लस 8 कितना आएगा 20। अरे भाई देख लीजिए यहाँ से कि माइनस 31 है ये, ठीक सॉरी 31 नहीं होता 34 होता है, ठीक माइनस 34 है और ऊपर जाएगा 8 प्लस में हो जाएगा, तो 34 में जब 8 घटाएंगे कितना बचता है 26 माइनस में, ठीक e की वैल्यू हमारी निकल आएगी 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 26। तो ऊर्जा है तो जूल में ही होगी, आप लोग जानते हैं ना। तो अब हम बता सकते हैं कि जो दस द एनर्जी लेवल ऑफ द एटम मस्ट हैव ए फाइनाइट विड्थ, ले लेंगे दस द एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज फाइनाइट विड्थ, ये क्या होता है फाइनाइट विड्थ होता है, समझ में आ गया, नोट कर लेंगे। अब मस्ट हैव लगा लीजिए, मस्ट है ए फाइनाइट विड्थ, तो लिख लेंगे हेंस स्पेक्ट्रल लाइन हैव ए फाइनाइट विड्थ, नोट कर लीजिए। इतना कुछ भी नहीं था इसमें, आप लोग जानते हैं डेल्टा टी मान क्या रखना था 10 टू पावर माइनस 8 हमने रख दिया, डेल्टा टी मान मिल गया, अब ये क्या हो गया है फाइनाइट विड्थ। तो समझ में आ गया, वैल्यू समझ में आ गई। तो हेडिंग एक हेडिंग छोटी सी है, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी इसी में हम लोग कर लेते हैं, चलिए कर लेते हैं, नोट कर लीजिए इतना, नोट कर लिए बहुत अच्छे, वीडियो को पुश कर लिए कीजिए और नोट कर लिए कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो भी ले लीजिए। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम एंड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आइए आज इसके बारे में बात कर लेते हैं कि बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, चलिए जाते हैं हम, चूंकि क्या होता है e बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, किसी कोई प्रॉब्लम ये होता ही, हमारा काइनेटिक एनर्जी होती है कि e बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। आप यहां से अगर हम p के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, ऊपर नीचे हमसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, m स्क्वायर v स्क्वायर अपान 2m हो जाता है, इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर अपान, एक तो e बराबर क्या मिला p स्क्वायर अपान 2m मिल गया, ये चीज ठीक। p क्या है यहाँ पर लीनियर मोमेंटम है, m यहाँ पर क्या है भाई, अरे भाई m जो है यह हमारा पार्टिकल का द्रव्यमान है, ये पार्टिकल का द्रव्यमान है, वेट है, एटॉमिक द्रव्यमान। तो चलिए बात कर लेते हैं, चूंकि p बराबर mv होता है इसलिए यहाँ m स्क्वायर v स्क्वायर था इसलिए p स्क्वायर हो गया, ठीक क्लियर। अब हम जानते हैं चूंकि होता क्या है, डेल्टा ए इक्वल टू 2p इंटू डेल्टा p
अपॉन टू एम, टू से टू कैंसिल, बचा क्या पी इंटू डेल्टा पी अपॉन एम, कितना बचा पी इंटू डेल्टा पी अपॉन एम। तो पी बराबर एम भी होता है, पी बराबर जो होता है एम भी होता है, आप एम भी रख दीजिए पी की जगह। तो यहां से रखेंगे पी बराबर एम भी, हम जानते हैं पी यहां रख दीजिए हमने एम भी इंटू डेल्टा पी अपान एम, एम से एम कटा, यहां पर लिख दीजिए चूंकि पी बराबर एम भी। तो वी को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी लिखते हैं इंटू डेल्टा पी, यह हमारा डेल्टा एक ही वैल्यू। इधर से मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारा, जब डेल्टा टी मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या हो जाएगा, क्या डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। जो डेल्टा इंटू डेल्टा टी आया वह डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी के इक्वल आया। हम जानते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या होता है, एच अपॉन फोर पाई, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी का जो मल्टीप्लाई होता है इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। जब यह ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई होता तो यह भी ग्रेटर आर इक्वल टू फोर एच अपॉन फोर पाई होगा क्योंकि एक दूसरे के इक्वल है। डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई, क्योंकि ये भी क्या होता है एच अपॉन फोर पाई इक्वल होता है। डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। इन्होंने यह प्रूव किया था बोर्स, वो तो उन्होंने क्या दिया था हाइजेनबर्ग ने ही, तो बोर्स मॉडल हाइड्रोजन एटम ने यही अपना नियम दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुश्किल से एक और वीडियो और बचा होगा तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम नेक्स्ट चैप्टर इस चैप्टर की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जय कृष्णा दोस्तों, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए बढ़िया।